अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज है 10 मुहर्रम और आज के दिन हमारे घर आए हैं सलार अहमद, है ना। तो जी अनाबी अबीर के जो कजन है, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, उनकी मम्मा और बाबा ने मन्नत मांगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने वो उनको एक प्यारा सा बेटा दिया और आज उसकी जो है मन्नत उतारने के लिए आए। तो मैं आपको सलार अहमद से भी मिलवाती हूँ अभी, और जो उसकी मतलब कि खीर वगैरह बन रही है उसकी मन्नत उतारने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से उतारी जाएंगी। और अभी मेरे ससुर भी आएंगे, अभी बज रहे हैं 9, तो वो आएंगे तकरीबन 10-12 बजे के करीब आएंगे, तो वो आके न्याज वगैरह देंगे और फिर हम अपने सलार अहमद की मन्नत उतारेंगे, ठीक है। और अनाबिया तो बहुत एक्साइटेड हुई है अपने सलार अहमद को देख के और चाचू चाची को देख के, है ना। मोईज़ अबीर से भी मिलवाती हूँ आपको और सलार अहमद से मिलवाती, चलें। सलार अहमद तो सोया हुआ है ना? सोया हुआ है, वैसे दिखा देते हैं हम अपने व्यूवर्स को सलार अहमद, आ जाओ। तो ये है सलार अहमद, झूले में सो रहे हैं। और झूला कौन दे रहा है? मोईज़ देखो, मोईज़ अहमद। और ये सलार अहमद की मम्मा बना रही है यहाँ पर खीर, तो यहाँ पे बन रही है खीर, इसमें देखें थोड़ी सी इलायची डाली हुई है, ज़्यादा ही डाल रखी है इलायची वैसे। तो यहाँ पे अभी हमने जो उबाला देने के बाद इसमें हमने अभी डाली है, डाले हैं चावल, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इलायची की, वाकई में खुशबू आ रही है। यहाँ पे खीर के लिए जो सारे मेवे और चीज़ें वगैरह वो भी साथ लेकर आई थी, तो यहाँ पे ये लेकर आई है चीनी, चावल जो है ये लाई थी कायनात, कौन सा था ये तोहफा, और इसके सारे जो मेवे हैं खीर में डलने हैं वो लेकर आई थी। ये है खोपरा और पिस्ता, बादाम, अखरोट नहीं लाई और ये क्या है किशमिश। तो अभी इनको मैं कट करके रख देती हूँ, पिस्ते को भी, खोपरे को, बादाम को और किशमिश को भी हम डाल देंगे ऐसे ही। अभी अभी हमारे घर आया है हलीम साथ वालों के घर से, और सुबह सुबह आए थे चावल जी। गाइस अच्छा मैं दिखाती हूँ एक बार। तो जी बड़ा मज़े का हलीम लग रहा है, तो मैं इसको खाली करके उनको प्लेट देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मैंने कर लिया है खोपरे को, क्या करना है, क्या किया मैंने, ये क्रश कर लिया है, और बाकी चीज़ें उनको करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी खोपरा और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें डालूँगी। हम डाल देंगे इसमें खोपरा, सारी खीर जो है पक चुकी है, देखिए नीचे गिर गया सारे ये वाले। तो अभी मैं सबसे पहले डालूँगी उसमें किशमिश, और इसको मैंने धो के पहले ही रख लिया था, तो इसकी शक्ल ऐसी हुई है। और ये बादाम थोड़े से मैंने इसको पीस लिया था, और ये थोड़े से मैंने मोटे मोटे से ही काट लिए थे। तो सबसे पहले हम डालते हैं किशमिश को, और ये है हमारे पास पिस्ता। सिलेंडर पे पक रही है अब खीर, क्योंकि गैस जो है चली गई थी, तो अब बन रही है सिलेंडर पे, माशाल्लाह से खीर पक चुकी है हमारी। बाकी चीज़ें डालते हैं। खीर को जो है हमने पका के बहुत मज़े की बनी है खीर, इसको रख दिया है हवा के नीचे, थोड़ी जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको डालेंगे प्यालियों में। तो प्यालियाँ भी दिखाती हूँ अभी आपको मैं, वो कौन सी हैं। तो ये हैं वो प्यालियाँ जिसमें हम भरेंगे खीर, ये देखें ये रखी है इसमें सारी। तो इसमें देखें आहिस्ता आहिस्ता अब हम खीर भरना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ये इसमें भरी है, और अनाबिया की चाची जो है वो इसमें फिल कर रही है। तो इन सब को फिल करके हम लोग रखेंगे तरतीब से। तो हमने सारी जो है फिल कर ली कटोरी है, और अब हम इसको रखेंगे वन बाय वन, यहाँ पे सारी रख देंगे, और मोहल्ले में से बस एक एक बंदा आके अपनी एक एक कटोरी मन्नत की उठा लेगा। तो बाकी अभी और ला के रखते हैं, अभी हमने 6 रखी है यहाँ पर, और भी आती हैं अभी ला के रखी। और ये जो बादाम है अभी हम इसके ऊपर करेंगे इसकी गार्निशिंग, ये और भी आ गई है। तो यहाँ से अभी हम उठा के इसके ऊपर करेंगे गार्निशिंग, ये अल्लाह पाक सब की मुराद पूरी करे। और अभी इस पे लगेगा जर्दे का रंग, ये बड़ा 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 बड़ा।
इससे क्या होगा इरम? ये मन्नत की प्यालियों को लगाते हैं। लगाते हैं? अच्छा, इतना प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बादाम। मैं भी लगाऊं? नहीं, अपने हाथ नहीं लगाना, आपके हाथ साफ। इनको हाफ हाफ कर रखा है, 14 इधर रखी हैं और 12 उधर लगाई हैं। तो ये और ये अलग अलग इसलिए रखी है, ये एक भाई की मन्नत और एक इरम की मन्नत की है। 14 इधर 14 इधर। 3 hours later। तो अंकल जो है यहाँ पे न्याज दे रहे हैं। जब अंकल न्याज दे देंगे ये फिर पानी वगैरह और खीर वगैरह हम उसको उठाएंगे। अभी आया है हलीम मामू के घर से। ये है मेरी थैली और एक है अम्मी वगैरह की थैली। तो मामू के घर से मेरी अलग चीज़ आती है और अम्मी वगैरह की अलग आती है। तो ये है मेरी वाली और अम्मी वगैरह की मैंने डाल दी पतीली में, तो इसी में मैं डाल देती हूँ और फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कैसा। यहाँ पे सब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से उठा रहे हैं प्याला जो मन्नत का है और यहीं बैठ के खा रहे हैं। तो यहाँ पे अम्माद ने भी उठा लिया है मन्नत का प्याला और वो खा रहा है इस टाइम खीर। शर्मा गया। और खीर जो है अभी काफ़ी सारी उठा ली है लोगों ने, थोड़ी सी रह गई है। और वहाँ पर जो है अंकल सो रहे हैं, बच्चे जो है अपना खेल रहे हैं। तो अभी मानो भी आई है यहाँ पे मन्नत का प्याला उठाने। क्या दुआ मांगी है? तो यहाँ पे मानो ये पूरी खीर खा के दुआ मांग के दोबारा फिर उठेगी, ठीक है? पूरी ख़त्म करनी है ऐसे यहीं बैठ के। चलो, तो अभी जो है खाना बन गया है। भाभी ने बनाई है मटन पुलाव। अभी निकालने लगी हूँ अंकल के लिए, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा है कि मैंने मटन नहीं खाना, मुझे सिर्फ चावल चाहिए। तो मैं उनके लिए सिर्फ चावल निकालूंगी। यहाँ पर बकरे का जो गोश्त है उसको मैं कर दूंगी पीछे, सिर्फ चावल चावल जो है ना वो अंकल की प्लेट में रख दूंगी रायते और सलाद के साथ। तो अंकल के लिए मैंने यहाँ पे निकाली है चावल। ये अंकल की ट्रे रेडी हो गई है और बाकी हमारा जो दस्तरखान है वो भी लग गया है। और भाई जो है वो आएंगे शाम को, तो इस वजह से हमें अभी लगाना पड़े दस्तरखान। तो यहाँ पर सबके लिए बॉक्स बनाए जा रहे हैं खीर के। तो यहाँ पर जो डब्बे हमने घरों में देने थे इरम ने वो भी बना लिए हैं। ये है मतलब फैमिली वालों के यही सारे ये डब्बे बॉक्स जो है रेडी हो गए हैं। ये हमारा है और ये इरम के अपने घर का है, भाई का और इरम का। तो ये भी सारी तैयारी हो गई है, बस दस्तरखान लग गया और अब हम जाके खाते हैं खाना। आए हैं गेस्ट घर पे और मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ चाय। तो खाना शाना जो है हम लोगों ने खा लिया है, खाने के बाद हम लोग भी पीने लगे हैं बस अभी चाय। तो जी ये है सलार अहमद जिसकी आज मन्नत उतारी गई थी माशाल्लाह से, तो आज वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो है ये लेटा हुआ है अपनी खाला की गोद में। तो फाइनली जी हमारे जो गेस्ट हैं वो चले गए हैं और बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं डोरेमोन। रात के बज रहे हैं 11 और बच्चों को मैंने बना के दिए थे यहाँ पर अभी पराठा जैम और विद जूस। तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं और आज का दिन है वो भी बहुत अच्छे से गुजर गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।